फीलिंग इज रियली गुड बिकॉज अभी बस दूसरा दिन हुआ है आश्रम रिलीज को एंड बहुत ऑलरेडी फोन कॉल्स आ रहे हैं और आप लोग भी आए मिलने तो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर दैट यू नो व्हेन पीपल गिव यू सो मच लव एंड ऑडियंस इज लविंग इट बिकॉज आश्रम एक ऑलरेडी हिट सीरीज था और सुबह से हम लोग यही लगे हुए कि हम सारे मैसेजेस और कॉल्स देख रहे थे जहाँ लोग बोल रहे कि हमने बस आपके वजह से देखा एंड वी आर सो हैप्पी एंड वी बीन गेटिंग दैट रिस्पॉन्स एक्चुअली सिंस वी अनाउंस दैट वी आर पार्ट ऑफ आश्रम इट्स गुड दैट makers were also excited and you know hame utta pyar bhi mila hai being bold being sensual wo acting career ka part hai lekin you know when you become an artist an actor or an actress aapka acting ability jo hota hai that is something most important so what you do to say on it I mean because even role powerful role only then you can prove yourself I mean uske bare mein kya hai I don't know if you're trying to ask if I'm a good actor or a bad actor I don't understand no that I'm not trying to ask but aapne mujhe bola bas sensual sensuality mein dikhati to mujhe pehle sawal nahi aaya aapka kind of role you're being offered I mean agar aapke paas ek powerful role offer hota hai tab zyada aasan hota hai apne ko sabit karne ke liye ye kehna cha raha hu I mean when you are offered a role which makes you prove yourself as an artist पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे बट अगर मैं सही में समझी तो आई थिंक रोल के हिसाब से होता है व्हाट यू वेयर व्हाट यू डोंट वेयर पर्सनल लाइफ से कुछ किसी को लेना देना नहीं होना चाहिए कि हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ एंड हाउ नॉट बट अभी अगर आप मुझे जैसे मूवी थी मेरी वन डे आई उसमें ओवरसाइज शर्ट्स हैं पूरा टाइम पहनी हुई फेनल शर्ट्स विद जीन्स और नॉट इवन जीन्स यू नो लूज काइंड ऑफ पैंट्स बिकॉज वो पुलिस ऑफिसर दिखाई है तो वो वैसा रोल है एंड वहीं पर आप मुझे आश्रम जैसा रोल दिखा दिया है जहाँ सोनिया का जो किरदार है वो आई ही आश्रम में इस वजह से है वो बाबा को पटाने के लिए तो उसके यू नो वो उसके जो वस्त्र है वो उस हिसाब से हैं प्रकाश है मोस्ट यू नो फेम डायरेक्टर एंड बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर क्या कहने कैसे ऐसा अनुभव काम करता प्रकाश सर के साथ ही मैं दूसरी बार काम कर रही हूँ मैंने 10 साल पहले एक्चुअली उनके साथ काम किया था और 10 साल बाद प्रकाश सर के साथ मेरा शो रिलीज हो रहा है हुआ है बहुत अच्छा लगता है सेम है सर के साथ काम करने का फ़ायदा होता है देखिए आप इतने एक्टर्स के साथ वो हमेशा काम करते हैं मगर हर सीन में वो फोकस करेंगे कि एक जो कोई अगर पीछे पंखा भी हिला रहा होगा ना वो किसके तरफ देख रहा है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है एंड
यू नो ऐसे डिसिप्लिन डायरेक्टर्स के साथ काम करने में जो यू नो दे ट्रीट एवरीवन इक्वली इज ऑलवेज रियली नाइस. That's not a OTT platform, web series इतना powerful medium हो गया. There are many female centric जी female centric बोला आपने. हाँ female centric जहाँ पे सिर्फ एक artist एक female artist अपने आप को साबित कर सकती है अपने बलबूते पे वो performance दे सकती है उसके अंदर क्या कहेंगे. You know I don't think वो बस OTT की वजह से हो रहा है. क्या हो रहा है ना अब पूरी सोसाइटी बदल रही है. थोड़े टाइम पहले तक जो मर्द होते थे वो औरतों को दबा के रखते थे इन जनरल इन सोसाइटी. इंडस्ट्री की नहीं बात कर रही, ओवरऑल इन दिस वर्ल्ड. देन धीरे धीरे औरतें ऊपर आई, मगर वो जो और औरतों जो औरतें ऊपर नहीं जा पाती थी वो उन्हें खींच के रखती थी नीचे. यू नो लाइक विच इज़ ट्रू, वुमेन शुड सपोर्ट वुमेन मोर. मगर अब औरतों को ही देखेंगे ज़्यादा वो बुरा कहेंगी या यू नो वो नेगेटिव कहेंगी किसी और के बारे में, तो हम ज़्यादा ऊपर नहीं पढ़ पा रहे थे. मगर अब ज़माना ही आ गया ना कि अब औरत को बहुत सपोर्ट कर रही है और आदमी भी औरत को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. तो वी कैन एटलीस्ट मेक मूवीज लाइक दिस एंड शो वॉट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन द सोसाइटी. बिकॉज फॉर मी आई बिलीव इन सिस्टरहुड, मैं ये सब देख रही हूँ. तो ऐसा हम सिनेमा बना पा रहे बिकॉज ऑडियंस एंजॉयज वॉचिंग इट. थैंक यू.